ओडिया हेल्थ टिप्स रे आपनकु स्वागत आज मु आपनकु बतेबी प्रेगनेंसी समय रे करा जाउथिबा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट बा, बा सोनोग्राफिक रिपोर्ट को ओडिया रे केमिति बुझिबे साधारणतः प्रत्येक प्रेग्नेंट महिला 3 मास 6 मास एवं 9 मास रे 3 ती अल्ट्रासाउंड करी थांती এই অল্ট্রাসাউন্ড রু গর্ভস্থ শিশু বিষয়ের অনেক কিছু তথ্য মিলে থাকে এমিটি কি নাস করা অল্ট্রাসাউন্ড রু আপনার জিপার্বে যে আপনার নর্মাল ডেলিভারি হব না সিজেিয়ান ডেলিভারি হব ডাক্তার মানে এই রিপোর্ট কু সম্পূর্ণ ভাবে বুঝাই ন নাই বেড়ে বেড়ে এই রিপোর্ট আধারে প্রেগনেট মহিল ভয়ভীত করাই সিজারিয়ান ডেলিভারি করাই থাকে तेणु आज आमे निजे जे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट गर्भस्थ शिशु विषय विषयले क्याए आपणको अनुरोध भिडियो संपूर्ण देखिया सहित लाइक ल सेयर निश्चय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रे अनेक जिनिस सर्ट फर्म बा अब्रिभिएसन आकारले लेखाइ म आपणको यो समस्त सर्ट फर्म विषय बतै एल एम पी लास्ट मेन्स्ट्रुआल पीरियड अर्थात आपणनेसी रहा पूर्वरु जो मासिक धर्म होता तार तारीख केते थिला के तारिख महिला को पचारिकी लिखा जाए इ एस्टिमेटेड अर्थात आनुमानिक छुआ जन्म हेर तारिख के मन रखिए लास्ट पीरियड डेट टू नौ मस दस दिन डाक्टर गोटे डेली डेट दे, दे था कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आसूब इ शीघ्र हो पाए कि डेरी हो पाए पणको रिपोर्टे अन्य समस्त ठीक पारामिटर ठिक रहे आपण्ड छिया आवश्यकता नै कारण अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रे डेलिभरी डेट शीघ्र आसी आसिए तेबे डाक्टर माने रोगी डराई डरै सिजेरीयन डेलिभरी पई प्रवर्ती थांती आपण एथिरे व्यस्त हेबर आवश्यकता नौ नै नस दिन जाँ आपण वेट गरिपारे जि आपण रिपोर्टे कि प्रोब्लेम नै जिए जसन एज अर्थात गर्भस्थ शिशुर बयस यहाँ अल्ट्रासा रिपोर्ट शिशुर आकार एवं ओजन देखि जीए अनुमान यहाँ आपणको गर्भस्थ शिशुर प्रकृत बयस अपेक्षा कम बेसी पारे जथा बासी हुनकोभ र तिन सप्ताह हुिशुर आकार बढ थिए अल्ट्रासा रिपोर्ट शिशुर बयस चार आसी पारे एथिरे डर आवश्यकता नाही ई एफ डब्ल्यू एस्टिमेटेड फेटल वेट अर्थात गर्भस्थ शिशुर आनुमानिक ओजन एहा शिशुर प्रकृत ओजन अपेक्षा दस परसेंट कम वेशी हो पाए जदि नौमासरे होल्ट्रासाउंड ओजन टू पॉइंट फाइव के जी रू थी पॉइंट फाइव के जी रही थाए तेब यह रे नॉर्मल डेलीवरी होई पारिबो किंतु यह शिशुर मध्य निर्भर करे जिथ थ्री पोइन्ट फाइभ केजि अधिक ओजन र शिशु थाए तेह्र डाक्टर माने सी म सिएसँग प्लासेन्टा यहाँ ओडि फुल बोली गभर शिशु गोटे नडी साहजर गर्भाशय सहित रही थाए लाग नडीको अम्लिकल कड पनि कहाँ नडी गर्भाशय कान्थले गोटे मांस पेन्दुरा आकारले लागिथाए यहाँ प्लासेन्टा बाहेक কোর্টে যদি আন্টেডি প্লাসে লেখা যাই এ অর্থ ফুলটি আপনার গর্ভাশয় সামনা পটক রয়েছে অর্থাৎ নাভি তে এবং ছুয়ার সামনা পটক রয়েছে যদি আন্তেডি প্লাসেন্টা এবং নো প্লাসেন্টা প্রিভিয়া লেখা তেবে তেবহা ঠিক রয়েছে বেড়ে বেড়ে এই প্লাসেন্টা গর্ভাশয়ের মুহ পাখানে অর্থাৎ যে পাট দেই শিশুর মুন্ড বাহার से ही पोजिशन थाए यह समय प्रोब्लेम करे सीजारीएन डेलीभरी करोस्टेरियल प्लासे लिखा तेबे फूलटी आपण पिठी पट को रही एमती रही बेड़े बेड़े शिशुटी अम्लिकाल कड छंदी हो जाए जदि सब नर्माल लेखाई तेरे चिंतार सी कारण ना लिक्योर लिक्योर अर्थ गर्भाशय गर्भाशयड लेवल

तेबे आपण को नॉर्मल डिलीवरी हेबार बहुत संभावना थाए फेटल एचआर, फेटल हार्ट रेट अर्थात शिशुर हृद स्पंदन यह वन थर्टी सेवेन रु वन फिफ्टी एट मध्य रही था प्रेजेटेसन रर्थ हो शिशुटी गर्भाशय केमिटी पोजिशन रही साधारणतः सात मास जाए शिशुटिर पोजिसन फिक्स नथाए यहाँ समय सहित बदलुए न मास र अल्ट्रासा रिपोर्ट सेफालिक प्रेजेन्टेसन आसला तेह्र शिशुर मुड तडकु गोड उप अझ नर्माल्ल डेलिभरी हेर्दा सङ्केत दिए जेजेटेसन आसला तपाईँ शिशुर गोड तडकु मुड उप रहिथाए यहाँ अधिकांश समय रे सिजरिया डेलिभरी हुने जदि आपण का शिशुर पोजिशन तीन मसा नौ मस को ब्रिज पोजिशन रही तेरे डाक्टर माने को सा को चेष्टा था नाइंटी फाइव परसेंट क्षेत्र में बुली जाए तेणु नौमासुर नौ पोजिशन को फिक्स धरा जाए बपीडी बाय पैराइटल डायमीटर एहारा अर्थ शिशुरा ओवरऑल साइज के रही छी यदि जस्टिशन एज अनुसारे यह ठीक था तबे नॉर्मल लिखा जाए थाए एचसी हेड सरकमफेरेंस अर्थात शिशुरा मुंडरा परिसीमा ए सी आबडोमिनाल सारकम्फेरेन्स अर्थात शिशुर पेटर गोले एफ एल फिमर लेंथ यार अर्थ जंगर हाड़ के लंबा सर्विक्स सर्भिक्स एवं गर्भाशय थीबा रास्ता को सर्विक्स कु जाए। क्या प्रेगनेसी शेष समय रे सर्विक्स लागे। समय को लागे लगे एना पड़े डेलीभरी समय को अछि कि ना অনেক মহিলাঙ্ মন রশ্ন থাকে যে তাঁর পেটের জাঁড়া শিশু অছি কি না কেমি জাণবে আপনার নিজের প্রথম অল্ট্রাসাউন্ড রিপোর্টু জাঁপারে যে আপনার গর্ভের কতোটি শিশু অ जदि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रे सिंगल लाइफ फिटस प्रेजेंट लेखा अच्छी तबे गोटे जीवित शिशु अच्छी जदि टू लाइ फिटस्त तबे जा शिशु अच्छी बेले बे दुई रु अधिक शिशु रही थामित क्षेत्र में मल्टिपुल लाइ बोली लिखा जाए ଶେଷରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଅ ମାସରେ କରାଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଲିକଲ ଲେବଲ୍ ଆଡ଼ିକେଟ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ଶିଶୁର ସେଫାଲିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଶିଶୁର ୱେଟ୍ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ କେଜିରୁ ଥ୍ରୀ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ୍ କେଜି ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟଟା ପୋଜିସନ୍ ଠିକ୍ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାଇଣ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ पणको प्रतिदिन शिशुर मुभमेन्टको देखिँछ मुभमेन्ट कमिजाए त डाक्टर सहित परमर्श गरे या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को बुझबार उपाय आशा कही भिडियो आपूर्म निश्चय पसन्द आसियो भिडियो भन्नु लाग साङ म सहित सेयर किछि प्रश्न थाए कमेन्ट माध्यम निश्चय पचारे ए एमिटी मूल्यवान भिड देखापी ओडिया हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें धन्यवाद